भारतीय किसान यूनियन तोमर के मंडल उपाध्यक्ष हाजी परवेज अख्तर ने पदाधिकारियों के साथ पहुंचकर मुरादाबाद डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि तहसील काट के ठाकुर द्वारा मार्ग पर सड़क किनारे बरसाती नदी की पुलिया के नीचे 285 में से लगभग 282 वृक्ष पॉपुलर के खड़े हैं। सड़क मार्ग से आने जाने पर लकड़ी माफियाओं के मन में लालच आ गया। उपजिलाधिकारी कार्यालय से पहले 22 मई 2022 दूसरी बार 12 जून 2022 नीलामी तहसील भवन में घोषित कर दी गई और दोनों बार तहसीलदार साहब द्वारा निरस्त कर दी गई। इसकी वजह तहसीलदार साहब को ही मालूम होगी। फिर अचानक 14 जून 2022 को तहसील भवन में तहसीलदार ने 11 बजे दोपहर में बंद कमरे में लकड़ी माफियाओं व उनके साथियों के साथ जो एक ही गांव के व्यक्ति थे उनसे सांठगांठ कर 282 पॉपुलर के वृक्षों की नीलामी आदि 5,30,000 में कर दी। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में जांच कराकर 282 पॉपुलर के वृक्षों की नीलामी का कटान का आदेश जारी होने से पहले नीलामी निरस्त करने का आदेश उपजिलाधिकारी को तत्काल जारी करें और निष्पक्ष कर्मठ सत्यवादी अधिकारी से जांच कराने का आदेश पारित करें। आपसे आशा है कि होने वाले राजस्व का घाटा नहीं होने देंगे और राष्ट्र की आय को दोगुना करने के लिए प्रयास करेंगे। मैं भारतीय किसान यूनियन तोमर से मंडल उपाध्यक्ष मुरादाबाद से जो है ये काठ थाना क्षेत्र में जो है तहसील परिसर में जो है काठ के वृक्ष को पॉपुलर के पेड़ थे जिनको आधे रेट में बेच दिया गया। 10 लाख का माल 5 लाख रुपये में जो है आनंद फानंद में जो है कर दिया गया। ये तहसीलदार साहब ने बेचा जो है क्यों, ये तो कारण वही जाने की क्यों बेच दिया उन्होंने 50 रुपये का माल जो है 25 पैसे किन लोगों को बेचा। हमें जैसे ज्ञान हुआ तो इसका हमने विरोध किया, जिसके विरोध को हमारा उन्होंने नकार दिया जो है। आपको कैसे पता चला कि माल बेच दिया गया? ये हमने विश्वास के सूत्रों से माल हुआ जो वहाँ के किसान भाई थे जो है उन्होंने हमें इस बारे में बताया जो तहसील परिसर में था। लगभग कितना माल होगा? लगभग ये करीब जो है 1500 क्विंटल माल है जिसकी मूल्य लागत लगभग 10 से 12 लाख रुपए करीब आसपास आती है। कौन से अधिकारी को अवगत कराया आपने? ये हमने जिलाधिकारी मुरादाबाद मोदी जी को कराया जो है, उन्होंने हमें पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि जल्दी इस पर जो है एसडीएम साहब से रिपोर्ट मांगी जाएगी। नीलामी नष्ट की जाए जो उनके नाम हमें ज्ञान नहीं है जो ये हमें सब किसान भाइयों ने बताया। लगभग कितने लोग होंगे? लगभग 8 हैं जिन्होंने जो है 8 लोग 1 ही ग्राम के हैं जो है सभी बंद कमरे में नीलामी कराई।